हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग लाइक्स, लव, लॉट ऑफ कमेंट्स एंड लाइकिंग माय वीडियो। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माय व्यूअर्स। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत प्रोत्साहन भी मिल रहा है कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। होपफुली मैं आपको लंदन के कुछ पार्ट, स्कॉटलैंड के कुछ पार्ट घुमा पा रहा हूँ। अभी मेरी और वीडियो आने वाली है, बट ये यूनिक वीडियो है मैंने जो बनाई है। हम पता है कि लंदन बहुत सुंदर शहर है, बहुत ही विचित्र शहर है, बहुत ही ट्रैवलिंग ट्रैवल डेस्टिनेशन है, जो ट्रू है। सो मैं आपको लंदन की इतनी सारी अच्छी पॉजिटिव वीडियोस एंड इंग्लैंड की, स्कॉटलैंड की सारी इतनी अच्छी पॉजिटिव वीडियोस दिया, तो आपको पता चल गया वो कितना ब्यूटीफुल शहर है। बस इसका एक शेडी एरिया भी है जहाँ पे बोलते हैं वेस्ट कलेक्शन और गार्बेज कलेक्शन। अभी मैं जो आपको वीडियोस दिखाऊंगा उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन का प्रोसेस क्या है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आपके घर में कोई ऐसा गार्बेज है जो आप फेंक नहीं पा रहे हैं या वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या यू आर अनेबल टू डिस्पोज, उसका क्या प्रोसेस है। तो बेसिकली आपको काउंसिल को फ़ोन करना होता है। काउंसिल यहाँ पे कुछ चार्जेस लेती है उस वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। जैसे आपके गद्दे हो गए, ईंट, ब्रिक्स, टूटे हुए रंबल्स हो गए, उन सबको आप बाहर नहीं फेंक सकते। इंडिया में तो हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं, वो अपना एक ट्रैक्टर या टेम्पो या ऑटो रिक्शा लाता है और उसमें लोड करके ले जाता है। बट यहाँ वो चीज़ नहीं है, या तो आपको कॉन्ट्रैक्टर को बुलाना पड़ेगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, दैट टेक्स लॉट ऑफ मनी। आपको मैन विद अ वैन को बुलाना पड़ेगा, वो भी आपसे पैसा ही लेगा, 10-20 पाउंड तो मिनिमम है, 30-40 भी ले सकता है। तो आपके गार्डन के वेस्ट, ये सारे वेस्ट को फेंकने के लिए आपको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा। आप कोई नए फर्नीचर बना रहे हैं तो आपको उसके लिए भी पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, दैट्स नॉट एन ईजी टास्क। और अगर आप काउंसिल को फ़ोन करते हैं तो काउंसिल भी वो बोलेगा कि आपको क्या क्या खर्चे हैं, स्लैब्स हैं, वो सारे स्लैब्स के ऊपर वो आपको खर्चे बताएगा एंड अकॉर्डिंगली फिर वो आपको एस्टिमेट देगा और वो आके फिर कलेक्ट करके ले जाएगा। हमारे यहाँ भी यही सिस्टम है, हम काउंसिल को फ़ोन करते हैं, बट अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा कोई भी वेस्ट डिस्पोज करने का। तो मेरे नीचे तो बीन्स हैं, हम बीन्स में डालते हैं, तो मेरे इस वीडियो में आपको बीन कलेक्शन का प्रोसेस भी दिखेगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है। और गार्बेज कलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर काउंसिल को फ़ोन करना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको यूनिक चीज़ें दिखाऊंगा कि लोग यहाँ पे कैसे रास्ते में डंप करते हैं, विच इज़ नॉट राइट, विच इज़ नॉट एथिकली करेक्ट। लोगों को यहाँ पे नहीं करना चाहिए। इफ़ दे हैव सम वेस्ट विच नीड्स टू बी डिस्पोज अप्रोप्रिएटली, दे शुड हैव डन इट अप्रोप्रिएटली। आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस में भी जाके उसको डिस्पोज कर सकते हैं। किसी को बोलिए कि भाई मेरे पास ये पड़ा है, वो आके फ्री में ले जाएगा। वो क्यों फ्री में लेके जाएगा, बिकॉज वो उस वेस्ट को किसी ऐसी जगह में बेचेगा जहाँ पर उसको 10-15 पाउंड उसके गाड़ी के खर्चे मिल सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या तरीका यूज करते हैं, बट आइडियली यू हैव टू यूज अ सर्टन एथिकल एंड इंटीग्रेटेड वे टू डिस्पोज योर वेस्ट। यू कैन नॉट डू इट। बट इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा जिस गलियों से हम गुजरते हैं, रोज हम स्कूल जाते हैं, वहां पे कितना वेस्ट पड़ा रहता है, आप वेस्ट देख के हैरान हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक यूनिक चीज समझाएंगे कि यहाँ पे लंदन में कैसे करके लोग गार्बेज डंप करते हैं, जो कि अलाउड नहीं है। देखिए आप, ये कारपेट डाला है इन्होंने, ये कारपेट यहाँ रास्ता में डालना अलाउड नहीं है। आपको यहाँ के गार्बेज मैकेनिज्म और सिस्टम के बारे में आज समझाएंगे जो बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, लोग यहाँ पे अपना जो घर की अनयूज चीज़ें हैं वो डाल देते हैं यहाँ पे, गद्दा, सोफ़ा, कचरा। आइडियली ये रूल के हिसाब से अलाउड नहीं है। यहाँ पे नियम है कि जब आप काउंसिल को फ़ोन करेंगे वो कुछ चार्जेस लेगा आपके अकाउंट से और आके लेके जाएगा। सो ये देखिए, ये इन्होंने अपना सोफ़ा यहाँ डंप कर दिया। अभी मज़े की बात है, आज सुबह हमने एक टीवी देखा, इसका मतलब किसी को टीवी था, ख़राब हो गया। आइडियली उनको वो टीवी जब नई खरीदनी थी तो उसको रिसाइकल करने के लिए ये टीवी उनको देना था। अब यहाँ पे रिसाइकलिंग के भी पैसे लगते हैं। सो व्हेन यू बाय अ टेलीविज़न सेट, आप ये देखिए टेलीविज़न किसी ने छोड़ दिया, LG का है, अब गौर से देखिएगा। लोग यहाँ पर टेलीविज़न सेट छोड़ देते हैं रास्ता में, ये गलत है। ये नियम के हिसाब से लोगों को एकदम भी नहीं करना चाहिए। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, अनएथिकली रॉन्ग। इसलिए क्योंकि आपको काउंसिल को फ़ोन करना होगा, काउंसिल विल कम एंड दे विल पिकअप योर गुड्स। हाँ, वो कुछ मिनिमम चार्जेस लेते हैं, जैसे 30 पाउंड्स, 40 पाउंड्स, और आपके घर का पूरा रबिश है जैसे ईंट, टूटा हुआ ब्रिक्स और बैरियर्स, डोर्स, वो सबको उठाने का वो ज़्यादा पैसा लेते हैं। बट दैट्स द राइट वे टू डू। अदरवाइज आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करो जो आके आपका सामान उठा के लेके जाएगा। बट दिस पीपल व्हाट दे आर डूइंग इज थ्रोइंग ऑन द रोड। अभी हमारे नेबर में देखिए, एक जन ने अपना गद्दा डाल दिया है बेड, मुझे पता नहीं ये कम से कम 1 महीने से यहाँ पड़ा हुआ है। आइडियली काउंसिल शुड कम पिक इट अप। और यहाँ पे नियम है, अगर काउंसिल को पता चल गया कि आपने ये गंदगी फैलाई है
तो वो आपसे ये पैसे रिकवर करेंगे। ये देखिए ये गद्दा यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। इतना डस्ट और गार्बेज यहाँ पे लोग फैला के रखते हैं, बट हम जहाँ रहते हैं हमारे यहाँ सिंपल है, दो गार्बेज रूम है, उस गार्बेज रूम में उसको रख दीजिए। अगर आपका बड़ा बड़ा फर्नीचर है और वो सब है तो हमारा बिल्डिंग का मेंटेनेंस का आदमी अपना एक कॉन्ट्रैक्टर है उसको भेजेगा, और वो कॉन्ट्रैक्टर आके अपना सामान लेके जाएगा, वो उसको बेचे करे जो भी करे वो उसका डिपार्टमेंट है। बट नियम के हिसाब से हमें जो है ये रास्ते में नहीं फेंकना है, वी शुड नॉट डंप इट। ये किसी भी कंट्री में अलाउड नहीं होता। अगर इंडिया में भी है तो आपको याद होगा हम किसी बाहर के आदमी को, किसी लेबर को 100-200 रुपये देते हैं, वो अपना रिक्शा हिमाल गाड़ी जो भी उसके पास टेम्पो ऑटो है वो आके ले जाता है। अब वो उसका क्या करता है हमें कुछ पता नहीं। यहाँ भी वही है, ये गवर्नमेंट जब आती है तो रिसाइकलिंग बिन लेके जाती है। आपके पास एक और ऑप्शन भी है यहाँ पे, आप यहाँ पे किसी भी चैरिटी फंड को कॉल कर सकते हैं, जैसे ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन हो गया, स्कोप हो गया, बहुत सारे चैरिटी डोनेशन मेंबर्स हैं, उनको आप फ़ोन करेंगे, वो आके पिकअप करके लेके जाएंगे। सम चैरिटी डज इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, सम टेक सम मनी, बट ठीक है, कम से कम आपका जो सामान है वो सही हाथों में लग जाएगा। फिर वो क्या करेंगे, उस चीज़ को बेच देंगे, रिफर्बिश करके, उसको ठीक करके, और जो भी है। सो ये एक यहाँ की यहाँ का एक सिस्टम है जिसमें अगर आपका कोई भी चीज़ ख़राब होता है या तो आप उसको डोनेट कर दीजिए, आपका अगर छोटा मोटा चीज़ है तो आप खुद जाके वहाँ पे ड्रॉप इन कर सकते हैं, और अगर आपका छोटा मोटा चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है जिसको उठाने के लिए आपको गाड़ी चाहिए, मैन चाहिए, यहाँ पे मैन विद अ वैन बोलते हैं, वो आके लेके जाएगा, उसको आपको 10-15 पाउंड देने होंगे। आप फेसबुक मार्केट प्लेस में डाल दीजिए फ्री पिकअप, वो आके लेके जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट कभी भी रास्ते में ये सब चीज़ मत डालिए, बिकॉज अगर काउंसिल को पता चल गया ये गुड्स और ये वेस्ट आपका है तो वो क्या करेगा, फाइनली आके आपको पेनल्टी देगा। यहाँ पे लोग चोरी करते हैं, पता नहीं चलता, लोग डाल देते हैं, दैट्स रॉन्ग, अनएथिकली इनकरेक्ट है। सो ये लंदन का एक बहुत बड़ा चीज़ है। अभी इसी के साथ मैं कंटिन्यू करूँगा कि यहाँ पे गार्बेज पिकिंग कैसे होता है। यहाँ पे ट्रक्स आती है ट्यूजडे एंड फ्राइडे को, वो गार्बेज आके उठा के लेके जाता है। वो एक वीडियो मैंने बनाई थी, वो वीडियो को मैं अटैच करूँगा इसके साथ, आप देखिएगा कितना अच्छा लगेगा कि अपने आप मैनुअली इंटरवेंशन के बिना गार्बेज बॉक्स वो डालते हैं और गार्बेज कलेक्ट हो जाता है। आज हम आपको वीडियो जो दिखाएंगे इसमें वेस्ट कलेक्शन प्रोसीजर दिखाएंगे। ये यहाँ का वेस्ट कलेक्शन ट्रक है बॉयलास का, एक नेटवर्क है जो ऑपरेट कर रहा है, ये इनका ट्रक है। अंदर में जो आप रूम देख रहे हैं, ये अंदर के रूम में इन्होंने दो बीन्स बना रखे हैं, एक वेट वेस्ट और एक ड्राई वेस्ट जो रिसाइकल होता है। अभी आप देखेंगे कि ये कैसे बीन कलेक्ट करते हैं और उसको उसमें डाल के ले जाते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड। बीन को खाली बॉक्स को बाहर से रूम से लाना पड़ता है, वो बीन जब यहाँ लेके आते हैं तो वो अपने आप ही इसको अंदर में लेके अपने आप ले लेता है और बीन खाली करके फिर बीन को वापस उसी पोजिशन में रखता। देखो ये ब्रदर जो है अभी बीन लेके आ रहा है, दैट बीन इज़ कमिंग राइट नाउ, ये अब उस बीन को लेके जाएगा। ये देखो उसको सिर्फ बीन इसमें लगाना है, यस देयर यू गो, वो अपने आप ऑपरेट होगा एक बटन से, यस देयर यू गो, वो उसमें फंस गया है। अब वो जाके टेढ़ा हो जाएगा, सब खाली हो जाएगा, यस एवरीथिंग हैज कम आउट। फिर से एक बार रीचेक, अगर कुछ छूट गया है तो कुछ नहीं है, और वो अंदर में क्रशर है जो फूले हुए या गार्बेज होते हैं उसको वो क्रश करके दबा देता है ताकि इसमें बहुत सारे गार्बेज कलेक्ट किए जा सके। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ये। एवरी फ्राइडे एंड ट्यूसडे या वेडनेसडे को यहाँ आते हैं बिन कलेक्ट करने, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइकिंग माई वीडियो, मेरे चैनल पर बने रहिए। आई एम रियली थैंकफुल कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव प्लस ट्रैवल वीडियोस बनाता रहूँगा क्योंकि मुझे लंदन में रहने का मौका मिला है। तो अगर कोई भी इंडियन भाई यहाँ पे आए और उनको रहने का मौका मिले, भाई बहन बंधु,
तो उनको भी ये सब चीज़ें फॉलो करनी होंगी, ये सब रूल फॉलो करने होंगे और उनको एक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। दैट इज़ वॉट माई इंटेंट इज़ टू मेक द वीडियोज़ ऑन ऑल दिस। और अगर आपके पास कोई आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उन सब आइडियाज़ पे भी वीडियोज़ बनाऊंगा जो मैं खुद फेस कर चुका हूँ। जिसका मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है मैं उस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। सो आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दोज विच आई एम एक्सपीरियंस्ड एज वेल एज आई एम फेसिंग एज वेल एज मैं उसके ऊपर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर।